सुबह सुबह ट्यूशन जाकर कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। तुमको नहीं अच्छा लगता ना सुबह? शाम को सब धूप सेक रहे हैं। हम भी ऐसे पीछे सेकते धूप। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमको डॉक्टर के पास विजिट करना था। हमको ठीक नहीं लग रहा, नो इशू, ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आते आते हमको हमारी साइट जो हम लोग ने अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग की थी वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो साइट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कल्याण ईस्ट का प्रोजेक्ट है और यहाँ की जो भी यहाँ से वहाँ तक ब्रांडिंग्स लगी ये सारे हमारे अंडर में बने हुए हैं। ये हर एक चीज़ यहाँ से लेकर ऊपर सब। तो बस ऐसे ही हम कुछ काम करते हैं। ओके, तो फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। आज सोच रहे थे इस तरफ आए हैं तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर भी विजिट मार लेते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली ये बिल्डिंग अभी बन रही है और काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग्स जो भी लगे हुए हैं हम लोग ने बनाए हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंडर में बने हुए हैं। और आइए आप अंदर चल के देखते हैं। हाँ, कैसा लगता है देखने के आपकी वहाँ हमारे डिज़ाइन की एक फ़ोटो बनता है? आ जाओ। ये सब यहाँ पे खिड़की वाला ये अलग ही वाइब रहता है। हाँ, पूरा यहाँ पर ऑन फ्लोर आकर ऐसा विजिट करना। अब ये बिल्डिंग एक्चुअली कल्याण स्टेशन के बहुत ही नज़दीक में है। सामने ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखेगा और ये मलंग रोड पर प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर एक्चुअली हमारे और दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर काम चालू है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर इस तरफ आए हैं तो यहाँ पर पूरा विजिट करते हुए जाते हैं। तो ये एक तो हो गया, अभी और एक दो जगह जाना है वहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं। आज आपको हम अपनी साइट की विजिटिंग करवाते हैं। इस तरीके से हमारे जो काम है वो होते हैं ब्रांडिंग्स के, डिजिटल मार्केटिंग बोल दो, कैंपेन बोल दो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में फिर एज अ चैनल पार्टनर्स हम काम करते हैं ICP प्लस, हम लोग मैंडेट्स भी उठाते हैं। तो बस जस्ट विश अस अ लक। प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। पूरे कल्याण के मलंग रोड के ऊपर हमारी ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर पूरा जो भी मार्केटिंग यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ये सारे हर एक चीज़ हमारे यहाँ से बने हुए हैं। और अच्छा लग रहा, चलो अंदर जाते हैं। तो ये रहा मिनिएचर प्रोजेक्ट, एक्चुअली ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये इसका मिनिएचर बना के रखा है और इस तरफ में है ये एक्चुअली इनके फ्लैट्स कैसे रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो अब एक साइड तो हो गई, अब दूसरे साइड पर जाना है। लेके चलता हूँ, चलो आज वहाँ पर भी विजिट कर लेते हैं। आज पूरा रेकी करके जाएंगे साइट की, क्या वहाँ के वो जो सेकंड प्रोजेक्ट है ना वहाँ के प्रेफर्ड पार्टनर। राइट, अभी चलते हैं वहाँ पर। और वहाँ का आई थिंक अभी बना नहीं है उतना अच्छे से। ना देखो तो सही, बिकॉज मोस्टली अभी तक मैंने फोटोज में देखा क्योंकि मैं ज़्यादातर साइट पर विजिट नहीं करती हूँ। जो इंटरनल जैसे काम चलते ना मैं उसको हैंडल कर लूँगी, बट साइट का जो भी विजिटिंग रहता है वो ये करते हैं। तो आज मैं खुद ऑन फ्लोर होकर जा रही हूँ सारे साइट पर विजिट करने के लिए। लग रहा है कि आज मेरी मेरा ऑडिट हो रहा है। क्यों? चेक कर रहे हैं कि काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ पर जा रहे हैं, मैडम हमने आपका फोटो देखा था, आप अवार्ड ले रही थी, क्या कैसे मार्केटिंग हो रही है ना? हाँ वो हो रही है। मैं सोच रही थी मैं इनका नंबर तो है नहीं मेरे पास में, इन्होंने कहाँ से देखा? नहीं पता चलता रहता है सब, आओ हमारे साथ में यहाँ पर बैठ के काम करो। अब देखती हूँ नेक्स्ट वीक से शायद मुझे यहाँ पर आकर अभी काम करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं, वो एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है सच बोलूँ तो। यहाँ पर मेरा भाई भी आया था देखने के लिए बट उसको मम्मी ने हकाल दिया, बोला कि नहीं इस तरफ नहीं आना है, उनको ये साइड में, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरे भाई के यहाँ पर लेने का बहुत मन था। तो अब हम फिलहाल चलते हैं वो प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये है यहाँ जाने का रास्ता, ये भी मलंग रोड पर ही आता है, थोड़ा सा अंदर आए। और स्टेशन वगैरह आजकल एक्चुअली ना एकदम भर चुका है। तो आप अगर ये उम्मीद करें कि कल्याण स्टेशन या अंबरनाथ स्टेशन के बाजू को आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो प्लीज़ ये उसमें माइंडसेट में मत रहिए, क्योंकि ऐसे जगह ही नहीं है तो कहाँ ही लोग बनाएंगे।
और आजकल लोगों को लिमिटेड अमाउंट में सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट, उनको हर एक चीज चाहिए, उनको गार्डन चाहिए, उनको स्विमिंग पूल चाहिए, उनको क्लब हाउस चाहिए, इतने सारी चीज चाहिए, लिमिटेड बजट में चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो हर एक चीज इतनी पॉसिबल नहीं होती। हाँ, या तो फिर वो जो स्टेशन वगैरह के बाजू में जो प्रोजेक्ट है वो रिडेवलपमेंट में जाए, तो एक बार ऐसी कोई चीजें हो सकती है। तो आपको एंट्रेंस दिखाते हैं। आ गया लंच करने गया था क्योंकि केबिन में नहीं था। ये रहा इनका गार्डन एरिया, ये एंट्रेंस ही एक्चुअली। ये आ गई इनकी पार्किंग इस तरफ। अब आप ही बताओ, कोई बोलेगा ये इतना आलीशान प्रोजेक्ट जो है वो कल्याण में है? और ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका अगर आप प्राइस सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यार इतने कम बजट में इतना बढ़िया प्रोजेक्ट कहाँ से लेकर आए हो। आ जाओ, आपको विजिट करवाते हैं साइट की। फिर ये रहा इनका सेल्स ऑफिस। ठीक है, ओके। फायदा उठा सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। आपका स्वागत करते हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ एक घर ही नहीं, बेहतरीन सुविधाएं भी देते हैं। हमारी कोशिश है स्पेशियस और बेहतरीन एमिनिटीज रेजिडेंट्स को एक साथ खुशी से भरी शाम स्पेंड करने का मौका देती है। आसमान में चांद की तरह उज्जवलित होता दिखता है। हमारी कैप्सूल लिफ्ट आपको क्लब की सभी बेहतरीन एमिनिटीज से इंट्रोड्यूस करती है। जा सकते हैं स्टार गेजिंग डेक पर तारों की छांव में। हमारा क्लब आपको एक लग्जूरियस एम्बियंस भी देता है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर चुका है हमारी प्रीमियम लिविंग का। इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया था। एमिनिटीज इसके इतने सुपर्ब है ना। क्लब टॉप पर सेमी ओलंपिक साइज के लग्जूरियस स्विमिंग पूल में आराम कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप कल्पना करें संपन्नता और आराम से भरे एक जीवन। क्या बनाया है शो फ्लैट? ये लोग बहुत बढ़िया बनाते हैं बट देते नहीं है। ये चाहिए था वीडियो हमने शेयर किया है। तो अभी देखो ना, ये इसमें ही तुम फ्रिज विज रख के आइडिया आ गया ना कि कैसे रहेगा। स्पेशियस है उतना। अभी देखो ये एरिया ना, ये ओपन दिया था वहाँ का, इसको कवर कर दिया, मारा दिया वॉशिंग, इसको बनाया स्टोरेज। इतना स्टोरेज है यहाँ पर। तुमने बाकी स्टोरेज का जो भी आइटम रख दिया अदर देन जो इसमें नहीं आते तुम्हारे, वो स्टोरेज आइटम। ठीक है, नहीं बताओ ये इतना अच्छा व्यू मिलेगा। ये तो अपना गार्डन है, हमारे बच्चे रहेंगे तो यहीं से खोल के कूद जाएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। ये 402 कारपेट, वो 442 का कारपेट। और डिफरेंस सिर्फ बालकनी का। सिर्फ बालकनी का। और दोनों वो यही है शायद स्कूल प्लॉट। हाँ, अभी हम जो काम इसमें क्या ही चाहिए लोगों को रहना पड़ेगा। साइट पे विजिट करना है, सेफ्टी फर्स्ट। तो इस तरह की तो हमारी चीजें होती है, हम जब तक खुद साइट पे कहीं जाके कोई चीज प्रॉपर रेकी करके चेक नहीं कर लेते, हम वो कस्टमर को दिखाते तक नहीं है। Exactly. और यही रीजन है कि कस्टमर्स इतना ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, घूम के आना पड़ेगा। ओके, लॉबी लेके क्या करोगी? हाँ ठीक है ना, देख लिया ना लॉबी का, अभी का वीडियो भी। हाँ, परेशान कर बेचारे को, गरीब गरीब। ठीक है, ये जल्दी मिलेगा, ये सोल्ड आउट हो गया पूरा। अच्छा यही? हाँ हाँ, 93% बाजू में आया नहीं है, 3 के बाजू में है। December 24 वाला ना, अगर ऐसे साइड पे घूमना हो ना, 2-4 दिन सनस्क्रीन लगा के घूमो, या तो फिर अपने बाबा बड़ी तेज धूप है यार। ये तुम दो जगह गई राइट, इतने में मेरी लग गई है। अब मैं दिन दिन में कितना साइड घूमता हूँ, कितना मीटिंग करता हूँ, सोचो। तो आ गया हमारे मक्के की रोटी। खाना चाहोगे? नहीं।
हमेशा रात में मिलता है मुझे चलाने के लिए, आज दिन में चलाऊंगी। आज कैसा लग रहा है तुमको दिन में चला के? बहुत अच्छा लग रहा है। सेम रोड, वो था नाइट मोड और ये है डे मोड। अभी चला ले। तुमने आज अच्छा, मैं मेरा बस तुमको सपोर्ट करूंगी। ऐसा लॉन्ग टूर वगैरह पर जाते हो अकेले चलाते हो ना तुम हमेशा, अभी इतना तो चला नहीं। नहीं तुमने आज अच्छा निकाला, बाहर निकाला गाड़ी अच्छे से, पूरा होटल से मैंने निकाला गाड़ी। अच्छा निकाला। और ये स्काईवॉच, ये इसके लिए हम पहले काम कर रहे थे, और ये जो भी कलर दिया है ना ग्रीन, ये किसका है ये कलर? ये हमने बताया था, मैंने एक्चुअली छोड़ दो, जिसने किया बहुत अच्छा किया, गुड। नहीं नहीं, अरे वो कलर कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, बिकॉज मोस्टली लोग जानते हैं, जितने भी मेरे क्लोज में रहते हैं वो सब जानते हैं कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। मिलकर आते हैं ये यार। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये थोड़ा सा स्टेशन से दूर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही दूर है। जो जानते हैं हाईवे के यहाँ पर जो डीमार्ट है ना, ये डीमार्ट के अंदर पहले ही एक गली आती है, वो गली के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। मतलब कम से कम आपको स्टेशन कितना 20-25 मिनट लगेगा। ये 5 किलोमीटर है स्टेशन, 5 किलोमीटर दूर रहेंगे डीमार्ट से, 600 मीटर डीमार्ट तो ये देखो यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा, पीछे डीमार्ट है, उसके बाजू वाली गली है ना वहाँ पर ही है। वही है, क्लाइंट का बजट अगर है वही 15-18 लाख तो यही मिलेगा, तो तब ठीक है ना। तब फिर उतना लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप 15 लाख 16 लाख 20 लाख दे रहे हो तो आपको ऐसी ही जगह पर मिलेगी। ओके, फिर से हम निकल रहे हैं। आप कहाँ जाना था? आप घर चलते ना, आज के लिए बस हो गया। तो सारा काम निपटाते हुए हम फाइनली घर पर आ चुके, अब तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहे हैं। और ये नमूना भी आ गया यहाँ पर। और आपका इस चीज का ट्यूशन में क्या मिला? कुछ दिखा रहे थे फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए, पाउच। अरे वाह, पाउच और एक न्यू पेन। तुमको पेन से लिखने का बड़ा मन होता है ना? हाँ, सबको ये, सारे बच्चों का यही हालत है, हम लोग भी ऐसे ही थे। पेन आ गया, मतलब पेन पेंसिल, ये पेन पेंसिल है। हाँ। देखो वाह, अच्छा हाँ, नाइस, एंजॉय। मेरे को ऐसा है, चलिए ओके। तो आज का जो दिन था ना, वो चमकता है, भड़कता है, चमक रहा है ना। आज का जो दिन था ना वो हेक्टिक तो था ही, बट बहुत अमेजिंग भी था। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि आज पूरा दिन हमारा कैसा गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब करो, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं कल सुबह एक नई एक ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट। पूरा लाइन रट्टा हो गया है। ओके, गुड नाइट।